हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों का सीजीपीएससी मेंस का समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो चलते आ रहा है, और इसमें का हम लोगों ने 3 वीडियो पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, बना के उसको डाल दिया हूँ मैं। आप यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग कुछ समाजशास्त्र के एक ऐसा टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि पूरे समाजशास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे, जिसमें बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे समाज को लेकर कि समाज की परिभाषा किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से दिया गया है, और समाज की क्या मतलब होता है और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और समाज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, और आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं। तो प्राथमिक अवधारणा, तो प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत यदि देखा जाए तो समाज आता है समिति, लोकाचार, समुदाय, संस्था, जनरीतियां और सामाजिक समूह। क्या आता है तो प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें को रखते हैं, तो पहला रखते हैं समाज को, दूसरा रखते हैं समिति, फिर रखते हैं लोकाचार, फिर चौथा समुदाय, फिर संस्था, जनरीतियां, सामाजिक समूह। क्लियर? तो इतनी चीजें प्राथमिक अवधारणा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं समाज को लेकर, तो इसी को हम लोग फोकस करके समझने का प्रयास करते हैं कि समाज होता क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब हम लोग समाज समाज तो बोलते हैं, ठीक है, समाज समाज हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन ये भी हम लोग को तो पता होना चाहिए कि जब समाज का निर्माण किया जाता है तो उसका निर्माण क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है समाज का निर्माण करने का। तो इसको समझ लेते हैं कि जब समाज कोई भी व्यक्ति है तो उनकी आवश्यकताएं होती है बहुत सारी, ठीक है। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पे कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ये समाज का निर्माण किया जाता है। अब बात उठता है कि समाज किसको बोलेंगे, ठीक है। तो बात उठता है कि समाज किसको बोलेंगे, तो यहाँ पास कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, उनके आधार पर समाज समाज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसके पहला जो है मैकावर और पेज के अनुसार समाज का परिभाषा इस प्रकार दिया गया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या बोला गया कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब समाज में जो सामाजिक संबंध होंगे, जो व्यक्तियों के मध्य आपस में सामाजिक संबंध होंगे, तो वही क्या है उसका जाल है, ठीक है। मतलब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसके द्वारा दिया गया है, मैकावर और पेज के द्वारा इसका परिभाषा दिया गया है। दूसरा परिभाषा देखते हैं वो है जॉर्ज सीमेल के द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने समाज का परिभाषा इस तरह से देने दिया कि समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो इस प्रकार से दो विद्वानों ने क्या किया, विचारकों ने दो प्रकार के अलग अलग से परिभाषित इसको करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है समाज के बारे में, है ना। तो समाज के बारे में हम लोग को ये परिभाषा देख के ये पता चलता है कि ये तो क्या होगा, वो व्यक्तियों का समूह होगा, ठीक है। व्यक्तियों का क्या होगा, समूह होगा, और व्यक्तियों के समूह के मध्य क्या होंगे, दो व्यक्ति मान लेते हैं तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, सामाजिक संबंध होंगे, ठीक है। क्या होंगे, सामाजिक संबंध होंगे, और सामाजिक संबंध किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा अंतःक्रिया के द्वारा, ठीक है। मतलब दो व्यक्ति हैं, मान लो ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, ठीक है। तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करेंगे, मतलब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और धीरे धीरे करके इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक संबंध स्थापित हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया से क्या होगा, एक संबंध स्थापित होगा, इसी को क्या बोला जाता है, अंतःक्रिया बोला जाता है, ठीक है। मतलब दोनों के मध्य जो संबंध अंतःक्रिया जो क्रिया करके संबंध स्थापित होगा उसको क्या बोला जाएगा, अंतःक्रिया बोला जाएगा, ठीक है। तो समाज का परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि समाज जो है, समाज व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें पारस्परिक जागरूकता और उसमें सामान्य जीवन में भागीदारी होने की भावना उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समाज बोलेंगे, ठीक है। तो
इसके अंतर्गत यही चीजों को बताया गया है कि समाज क्या है। तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य क्या होता है, एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जागरूक होना चाहिए और सामान्य जीवन में भागीदारी होने उसमें अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास ये भी बात ध्यान हम लोग को रखना है कि समाज हम लोग केवल व्यक्ति को समूह को ही नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसके मध्य सामाजिक संबंध का होना बहुत ही जरूरी है, और जब सामाजिक संबंध बनाया जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, अंतःक्रिया किया जाएगा, जो कि दो व्यक्तियों या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो क्रिया प्रतिक्रिया होंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब आपस में मिलजुल के बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अंतःक्रिया बोला जाएगा, और इसी से निर्मित जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं, ठीक है। अब समाज की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं ताकि इससे हम लोग को इसकी परिभाषा को समझने में या फिर इसकी अर्थ को समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो अब इसमें पहला विशेषता आता है, वो है पारस्परिक जागरूकता, ठीक है। तो समाज में लोग जब रहते हैं, व्यक्ति जब रहते हैं, तो व्यक्तियों में क्या होना चाहिए, व्यक्ति में क्या होता है, पारस्परिक जागरूकता होती है, मतलब वो एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, जागरूक रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो ये सबसे पहला विशेषता जो है समाज का, तो समाज की विशेषता पहला क्या है, पारस्परिक जागरूकता इसमें पाई जाती है, इसमें समाज में, ठीक है। सेकेंड है वो है समाज अमूर्त है। तो समाज अमूर्त कहने का मतलब है कि समाज में सामाजिक संबंध और मानवीय व्यवहार ये सब पाई जाती है, ना कि किसी भी मूर्त इसका रूप मिलता है हम लोग को, मतलब उसको हम लोग छू नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो क्या है, समाज अमूर्त संस्था है, ठीक है, अमूर्त है। अब थर्ड है वो है समाज आश्रितता पर आधारित है। तो जो समाज होता है, तो समाज में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जो भी आवश्यकता की पूर्ति अपना करते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आश्रित रहते हैं, एक दूसरे के मदद से ही वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसलिए ये जो समाज है वो क्या है, आश्रितता पर आधारित है, ठीक है। आगे है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। तो समाज जो होता है वो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अपने जो भी समूह होंगे उसमें, ठीक है, जिसको समाज बोलते हैं, तो समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति होंगे तो वो समाज क्या करेगा, उन व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करेगा, ठीक है, ताकि वो किसी भी अपने रीति रिवाज या फिर कोई भी रूढ़िया हो गया उसको वो उसका उल्लंघन ना करे। तो इस प्रकार से उसमें क्या किया जाएगा, नियंत्रण स्थापित भी वहां पे की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नेक्स्ट विशेषता हो जाता है। आगे है समाज परिवर्तनशील है, ठीक है। तो समाज क्या है, परिवर्तनशील होता है, वो पल पल देखा जाए तो वो क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, उसमें नए नियम कानून आते रहते हैं और पुराने नियम कानून क्या होते हैं, समाप्त होते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो समाज है एक परिवर्तनशील उसमें पाई जाती है, ठीक है, परिवर्तनशील प्रकृति की होती है। आगे है सहयोग एवं संघर्ष विद्यमान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक सहयोग भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ समाज के मध्य संघर्ष भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाती है। अब आगे बात करते हैं कि समाज के कितने प्रकार होते हैं और समाज के प्रकारों के अंतर्गत क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है, ठीक है। तो इसमें समाज के प्रकार के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो समाज जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो वो चार प्रकार के समाज यहाँ पे समाज शास्त्रियों द्वारा बताया गया है। तो पहला समाज को बोला गया जनजातीय समाज, दूसरा समाज को बोला गया कृषक समाज, तीसरा समाज को बोला गया औद्योगिक समाज, चौथा समाज को बोला गया उत्तर औद्योगिक समाज, ठीक है। ये क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज। तो ये चार प्रकार के समाज यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जनजाति समाज क्या होता है, ठीक है। तो जनजाति समाज से हम लोग को ये पता चलता है कि वह व्यक्तियों का समाज जो बेसिकली देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक के निकट वो निवास करते हैं, ठीक है, प्रकृति के निकट निवास करते हैं और उनका जो रहन सहन है वो अन्य से क्या होती है, एक विशेष रहन सहन होती है और एक विशेष स्थान बोली इन सब इसमें जनजाति समाज में पाई जाती है, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या होती है। तो पहला विशेषता है कि श्रम विभाजन नहीं है, ठीक है, जनजाति समाज में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो स्त्री हो गया या फिर पुरुष हो गया तो दोनों मिलजुल के काम करते हैं, इसमें कोई भी श्रम विभाजन वाली बात नहीं पाई जाती जनजाति समाज में, ठीक है। सेकेंड है वो है हम लोगों का जीवन सरल व समेकित होता है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी के कंपेयर में बात करें, जो अभी का समाज है तो ये क्या है, समाज बहुत ही जटिल और अविकृत कृत है, ठीक है। तो ये जो समाज है हम लोग का जनजाति समाज
वो क्या था, जीवन उसका सरल व समेकित था, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की जटिलता वहां पे समाज में हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति बेहतर बेहतर थी। ठीक है, जनजाति समाज में, तो जनजाति समाज में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थे, क्योंकि जब अभी हम लोग बात किए श्रम विभाजन पाया जाता है तो इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर समझे जाते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वहां पास महिलाओं की स्थिति क्या थी, बेहतर थी। ठीक है, और सेकंड है वो है व्यक्तिगत संपत्ति विनिमय एवं ऋण संबंधित संस्थाओं की अनुपस्थिति। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो जनजाति समाज में जो संपत्ति हो गया, विनिमय और ऋण संबंधित जो संस्थाएं होती हैं उनकी अनुपस्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पास सब मिलजुल के काम करते हैं और इनमें कोई भी व्यक्तिगत व्यक्तिगत संपत्ति विनिमय और ऋण संबंधित कोई भी संस्थाएं वहां पे नहीं पाई जाती। ठीक है, वो पूरी तरीके से देखा जाए तो प्रकृति पर आश्रित होते हैं, लेकिन अभी के समाज में देखा जाए तो उसका भी रूप परिवर्तित होते जाता है, होते जा रहा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो है आर्थिक शैक्षणिक एवं मनोरंजनात्मक श्रेणियों में विभेदीकृत नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जनजाति समाज में यदि हम लोग बात करें आर्थिक शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक श्रेणियों की, मतलब स्थितियों की, तो वहां पास किसी भी प्रकार से हम लोग को अलग नहीं दिखाई देता, वो विभेदीकृत वहां पास नहीं है, मतलब वो समान रूप से कहा जाए तो वो समान रूप से वो एक ही साथ चलती थी और सब मिलजुल के इन सभी चीजों का उपभोग करते थे। ठीक है, प्रयोग करते थे और आर्थिक शैक्षणिक एवं मनोरंजनात्मक श्रेणी से वो सब मिलजुल कर इस भावना का मतलब प्रयोग करते थे। ठीक है, अब दूसरा समाज आता है वो है हम लोग का कृषक समाज। ठीक है, तो कृषक समाज को आगे देखते हैं हम लोग का कृषक समाज, कृषक समाज क्या होता है। तो कृषक समाज बोला जाए तो कृषक समाज को मुख्यतः देखा जाए तो ये जो समाज है वो मूलतः कृषि पर आश्रित समाज है, और ये देखा जाए तो जो छोटे छोटे पशुपालन या फिर दूध उत्पादन से संबंधित जो समाज है वो कृषक समाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कृषक समाज की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहला विशेषता इसमें है कि ग्रामीण समुदाय व्यवस्था होता है। जो कृषक समाज है वो क्या है, पूरी तरीके से ग्रामीण समुदाय व्यवस्था है। ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए ये क्या है, ग्रामीण समुदाय व्यवस्था है। ठीक है, सेकेंड है हम लोगों का वो है न्यूनतम श्रम विभाजन। तो इसमें न्यूनतम श्रम विभाजन पाया जाता है, मतलब कोई भी जब कार्य किया जाता है, खेती करने का काम हो गया तो खेती के करने के काम में महिलाएं भी कुछ हद तक देखा जाए तो उनका अलग काम होगा कि महिलाएं घर में खाना बनाएगी और जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे, कृषि काम में खेत की जुताई उताई के लिए वो वहां पे जाएगा। मतलब यहाँ पे कृषि श्रम विभाजन वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, सेकेंड है हम लोगों का कि कृषि पर आधारित। ठीक है, तो कृषक समाज जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो कृषि पर ही आधारित होता है, और इसमें देखा जाए तो ये जो है पशुपालन और दूध उत्पादन करने का भी जो है वो कृषि समाज में हम लोग को देखने को मिलता है, और इसके तहत वो लोग शामिल होते हैं जैसे कि हम लोगों का हो जाता है बुनकर। ठीक है, बुनकर हो गया, लोहार, कुम्हार, शिल्पकार, दुकानदार, तो ये सब जो है वो कृषक समाज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इसी समाज के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, बुनकर हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, शिल्पकार और दुकानदार, ये किसके समाज के अंतर्गत आएंगे, तो कृषक समाज के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, आगे जो विशेषता है हम लोगों का वो है एकता की भावना। तो कृषक समाज में एक और मुख्य विशेषता होता है कि इन लोगों में एकता की भावना पाई जाती है, वो एक दूसरे के प्रति जो है पारस्परिक रूप से एकता की भावना वहां पास रखते हैं। जो भी सामान्य जीवन में भागीदारी हो गया या फिर कोई भी आवश्यकताओं की जब पूर्ति की जाती है तो वो एक दूसरे की एकता के अनुसार आधार पर वो उसका पूरा करते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो है वो है सादगी एवं एकरूपता। तो उसमें जो है कृषक समाज में सादगी एवं एकरूपता से जो भी कार्य किया जाता है वो कृषक समाज का एक प्रमुख विशेषता के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को दो समाज हो गया, पहला है अपना जनजाति समाज, दूसरा कृषक समाज। अब दो समाज और बच जाता है, वो है औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये समाज क्या है, इसकी विशेषताएं कैसी है। ठीक है, तो इतना हम लोग का हो गया। तो आगे का हम लोगों का समाज दो प्रकार का बचा था, एक है औद्योगिक समाज, दूसरा है उत्तर औद्योगिक समाज। तो औद्योगिक समाज किसको बोला जाएगा कि जो अभी आधुनिक में जो भी जितने भी समाज हम लोग अभी देख रहे हैं वो पूरी तरीके से क्या है, वो औद्योगिक समाज के अंतर्गत
आते हैं। तो इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो इसकी पहली जो विशेषता है वो है आर्थिक संस्थाओं में विभिन्नता या फिर भिन्नता, मतलब जो भी आर्थिक संस्थाएं यहाँ बनाई जाती है वो प्रत्येक संस्था दूसरे संस्था से क्या होती है, कुछ गुण और कुछ आधारों पर क्या होती है, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बोला गया कि जो आर्थिक संस्थाएं होती है औद्योगिक समाज में उनमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आगे है श्रम विभाजन का प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें जिस पद के लिए जो व्यक्ति को चयन किया जाएगा वो व्यक्ति उस कार्य को करेगा, मतलब इसमें श्रम विभाजन वाली भावना इसमें पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है खंडित भूमिकाएं। अब एक व्यक्ति जो है अनेक भूमिकाएं अदा कर सकते हैं, जैसे कि बोला जाए तो कि मान लो कोई एक रिट का अधिकारी है वो अपनी भूमिका अलग तरह से वो उसमें अदा करेगा, और बी कैटेगरी के जो अधिकारी होंगे वो अपनी अलग सी ये भूमिका ये निभाएंगे, मतलब जो इनकी भूमिकाएं होंगी वो खंडित होंगी। जैसे कि यहाँ पास हम लोग और मान लेते हैं कि मान लो ए एक अधिकारी है तो ये ऑफिस में क्या करेगा, ऑफिस में अधिकारी का भूमिका निभाएगा, और घर में जब आएगा तो ये माता पिता या फिर पति की भूमिका यहाँ पे निभाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभी जो औद्योगिक समाज है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग इसमें भूमिकाएं होती है। ठीक है, अब आगे बात करें तो आगे हम लोग का अव्यक्तिक संबंध पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अव्यक्तिक संबंध मतलब इसमें जब औद्योगिक समाज की बात कर रहे हैं तो औद्योगिक समाज में आपसी व्यक्ति का संबंध नहीं पाया जाता, इसमें ऑफिशियली संबंध पाया जाता है, मतलब अव्यक्तिगत संबंध पाया जाता है। जो जिस प्रकार से जैसे कि दो अधिकारी हैं तो वो अधिकारी क्या करेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में रहने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे तो उससे वो व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाएगा, वो क्या संबंध बनाएगा, वो बनाएगा केवल अव्यक्तिगत संबंध। ठीक है, मतलब उसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक औद्योगिक समाज की विशेषता हो जाती है। आगे है प्रदत्त परिस्थिति प्रदत्त न होकर अर्जित होती है। तो जिस प्रकार से कोई भी पद परिस्थिति क्या होता है, पद का सूचक होता है, तो जो परिस्थिति है वो औद्योगिक समाज में परिस्थिति देखा जाए तो वो क्या होता है कि अभी जो व्यक्ति है वो अपनी गुण और क्षमताओं के आधार पर एक नए पद का धारण करता है, एक नए पद को धारण करता है, मतलब अभी स्थिति में अगर औद्योगिक समाज की बात करें तो इसमें कोई भी पद को धारण करने के लिए किसी के द्वारा ये पहले से जन्म से नहीं दिया जाता, इसको खुद वो अपनी गुण और योग्यताओं के अनुसार से वो क्या करता है, अर्जित करता है। तो इसलिए जो औद्योगिक समाज है वो क्या है, परिस्थिति प्रदत्त न होकर अर्जित होती है इसमें। ठीक है, आगे है सामाजिक गतिशीलता। अब औद्योगिक समाज देखा जाए तो आज की डेट में इतना तेजी से बढ़ रहा है कि प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है, गतिशील होते जा रहा है, मतलब इसमें गतिशीलता है, प्रत्येक क्षण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है और विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गतिशीलता पाई जाती है। आगे है महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। तो इसमें देखा जाए औद्योगिक समाज में तो आजकल देखा जाए वर्तमान में तो महिलाओं को भी कोई भी पद में वो क्या करते हैं, चयनित करके उनकी भी भागीदारी को वो समाज में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये औद्योगिक समाज के अंतर्गत हम लोग की विशेषता हो जाता है। अब बात करते हैं अपना उत्तर औद्योगिक समाज किसको बोला जाता है। तो उत्तर औद्योगिक समाज वो समाज होता है जिस समाज में, ठीक है, जिस समाज में सूचनाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाए उस समाज को क्या बोला जाता है, उत्तर औद्योगिक समाज बोला जाता है। तो और औद्योगिक समाज की जो उत्तर औद्योगिक समाज की जो अवधारणा है वो डेनियल बेल विचारक द्वारा इस समाज का अवधारणा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इसका जो लक्षण है वो क्या देख सकते हैं कि ये जो समाज होगा उत्तर औद्योगिक समाज वो पूरी तरीके से देखा जाए तो सेवा आधारित व्यवसाय एवं सेवाएं इस समाज के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज पूरी तरीके से सूचनाओं पर सर्वाधिक प्रयोग इसमें लाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का आज का जो टॉपिक है समाज के ऊपर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे समिति को लेकर, और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि समिति की क्या कौन सी विशेषताएं हैं और किस प्रकार से उसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में नए हो फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।